रमज़ानुल मुबारक से अल्लामा साहब जिन लोगों ने मशरूत किया हुआ है, वो कि जाहिर है वो एक फजीलत नज़र आती है, लेकिन क्या रमज़ान ही में ज़कात अदा करनी चाहिए या वही बात है कि हमें ज़कात अदा कर देनी चाहिए? जी दरअसल हमें ज़कात के निज़ाम को समझना होगा। इसको बड़ी एक खूबसूरत तमसील के ज़रिए से उलमा इकराम समझाते हैं कि जैसे इंसान के पूरे जिस्म की बका के लिए इसकी हर रगो पे के अंदर खून का पहुंचना ज़रूरी है और हर वक्त और भर वक्त पहुंचना ज़रूरी है। अगर वो हर वक्त और भर वक्त नहीं पहुंचता तो उसके निज़ाम जो ज़िंदगी का है वो उसका कोई भी जिस्म का उज़्व जो है वो मफलूज होकर रह जाता है। इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम बनाया है पूरे साल के लिए, उसको सिर्फ किसी एक महीने के साथ ख़ास नहीं किया। ये भर वक्त पहुँचना है कि जिस वक्त जहाँ जिसको ज़रूरत है उस वक्त उसको उसकी मदद जो है वो ज़कात के माल के ज़रिए से की जाए। अगर हम नहीं करते तो जैसे इंसान के जिस्म का हिस्सा मफलूज होता है, ऐसे ही वो माशरे के अफराद जो हैं वो मफलूज ज़दा होकर माशरे के लिए नुकसान का बायस और माशरे पर बोझ बन जाते हैं। उस बोझ बनने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि जैसे ही आपका मतलब वो साल निसाब का पूरा हुआ कि आज जैसे कह लीजिए कि जमादु सानिया की एक तारीख है, अगले साल यही तारीख आती है, आप अपने माल का जायज़ा लीजिए। आज आपके पास इतना माल आया कि जो किबला डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि वो निसाब की मालियत को पहुंचा, अगले साल फिर अपने माल का जायजा लीजिए। अब जितना माल आपके पास मौजूद है साल के दौरान का एतबार नहीं है। ठीक, एक जुमले में सिर्फ वजाहत कर दीजिए। मैं आधी से मुबारका का मफाहिम में पढ़ रहा था कि जिस कौम में ज़कात नहीं दी जाती वहाँ पर कहत साली मुसल्लत कर दी जाती है, बारिश अगर होती भी है तो सिर्फ जानवरों की वजह से होती है। तो ज़रा एक जुमले में वजाहत कर दीजिए कि क्या यह भी एक बात है कि अल्लाह के अजाब की जो है मतलब हम बाकायदा उसके अजाब को दावत देते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बालों में बरकत ख़त्म हो जाती है, अजनास में बरकत ख़त्म हो जाती है, रहमत खुदाबंदी जो है वो मुंह मोड़ लेती है, बारिश बरसना जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक, इस तरह माल में भी बरकत ख़त्म हो जाती है और वो रफ्ता रफ्ता वो माल ख़त्म ही हो जाता है जिसमें से ज़कात ना निकाली जाए।